जदयू संगठनात्मक चुनाव को लेकर गांधी भवन में हंगामा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी विजय कुमार सिंह ने बताया कि जदयू जिला अध्यक्ष पद के लिए दो उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवार समर्थकों के द्वारा हो हल्ला किया जा रहा है। इस बाबत पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार को दूरभाष पर सूचना दी गई है कि गांधीनगर भवन में फोर्स भेजा था तथा शांति व्यवस्था मुहैया कराया गया। जदयू के जिला अध्यक्ष पद पर पूर्व जिला अध्यक्ष कमलेश पांडे ने 43 मत प्राप्त कर जीत हासिल की है। उन्होंने अपने निकटतम एकमात्र प्रतिद्वंदी निवर्तमान जिला अध्यक्ष राम इकबाल राय क्रांति को 20 मतों से पराजित किया है। हम बताएंगे। जी बताया जाए। ये पर्चा तुरंत रहे जी और पार्टी का चुनाव जी और पंजाब प्रजातंत्र के हिसाब से जी चुनाव हुआ है जी और इसमें मत मिला है कमलेश पांडे जी को जी उनका विजय हुआ जी हम तो कार्यकर्ता के सेवा और पार्टी के सेवा सदैव करते आए, इसलिए सारे कार्यकर्ता साथियों ने जो जदयू के सच्चे सिपाही को चुनने का काम किया है, मैं कुमार जी के लिए अपने सारे जीवन के काम में पार्टी के काम में ईमानदारी ऊपर लगाने का काम करूँगा। हंगामा बाहर में प्रशासन को तो खबर किया गया है जी, SP साहब से भी बात हुई है, कहीं ना कहीं प्रशासन को हम तुरंत भेज रहे हैं जी। क्यों हो रहा है, किस लिए? एक पार्टी का चुनाव है, थोड़ा आपस में वो लोग उम्मीदवार के समर्थक लोग आपस में अपना जी उम्मीदवार के समर्थक लोग आपस में अपना बात विमर्श कर रहे हैं।